गाइस, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल। आज की वीडियो स्पेशली रनर्स के लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में रनर्स के लिए वार्म अप लेकर आई हूं। एक वार्म अप रूटीन जो 15 मिनट्स लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है। ये वार्म अप सिर्फ रनर्स ही नहीं बल्कि कोई भी एथलीट है या जिम के पहले अगर आपको वार्म अप करना है तो भी आप ये कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का मौका मिले। नाउ लेट्स बिगिन। मेक श्योर आप अपने शूज पहनकर ये वार्म अप कर रहे हैं। हर वार्म अप आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे नी वार्म अप। नी के लिए यू हैव टू डू नी हग्स, सो दिस वे अराउंड 30 रेप्स आप कर सकते हैं इसके। ठीक है, दिस वाज जस्ट वार्म अप आवर लेग्स। ठीक है, दिस वाज आगे की मसल्स के लिए। अब पीछे के लिए हम करेंगे बैक बेंड्स, बैक नी बेंड से बोलते हैं। हमेशा याद रखिए वार्म अप शुड बी डायनामिक नॉट स्टैटिक, यानी कि आप कोई भी एक्शन होल्ड करके नहीं रखना है, आपको करते रहना है जिससे आपके मसल्स वार्म अप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है लंजेस। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड लंज करके आप साइड बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं, फिर ऑल्टरनेट लंज, रोटेट अगेन, लंज, रोटेट, लंज, रोटेट, लंज, रोटेट। मैं आपको इस डायरेक्शन में बता देती हूँ। सो लंज, रोटेट, लंज, रोटेट, लंज, रोटेट, लंज एंड रोटेट। अगेन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइड लंच, एक पैर एक डायरेक्शन में होगा, जस्ट लंच। बीच बीच में आप वॉक कर सकते हैं जस्ट टू टेक पॉजेस एंड रेस्ट इन बिटवीन। नेक्स्ट है हैंड टू फुट। फिर क्या करना है आपको, ऑपोजिट हैंड एंड लेग टच करने की कोशिश करना है। साइड से बना दे रही हूं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाई नीज करना है। थोड़ा सा वॉक रहेगा, jumping jacks, very simple. इसमें full body का warm up हो जाता है, actually sideways as well. अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट मैं टिप देने वाली हूँ जो सब लोग वार्म अप में भूल जाते हैं, वो है अपर बॉडी वार्म अप। बहुत सारे लोग लोअर बॉडी का तो कर लेते हैं पर अपर बॉडी भूल जाते हैं, तो आपको वो भी करना है। लेट्स सी हाउ। सो फर्स्ट विल बी सर्कल्स, नेक्स्ट विल बी हैंड्स साइड टू साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको लगता है मैं रनिंग कर रहा हूँ या लेग वर्कआउट है, मुझे हैंड्स का वार्म अप करने की क्या जरूरत है। बट रनर्स को ध्यान रखना है, रनिंग में हैंड्स भी यूज होते हैं, सो मेक श्योर यू डूइंग दिस वार्म अप एज वेल। जस्ट रीच आउट टू बैक ताकि आपका ट्रंक का भी हो। रनर्स को पता ही होगा कि रनिंग में ट्रंक मोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
का वार्म अप रनर्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाया है. डू फॉलो दिस एंड आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड रन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने रनर्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स. प्रेस द नोटिफिकेशन बेल राइट नाउ. फ्यूचर में आपको कोई भी टॉपिक से वीडियोस चाहिए तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई कम बैक विद वन सून. टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट.